नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 5 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहने वाले फरहाद धावक मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रख लिया है। इधर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मिल्खा सिंह हैरान हैं। उन्होंने बताया कि उनके कुछ हेल्पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे परिवार वालों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिससे वो पॉजिटिव आए हैं। मिल्खा सिंह में फिलहाल कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह ठीक हैं। उन्हें ना तो बुखार है ना ही कफ है। उनके डॉक्टर ने बताया कि वह 3 से 4 दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह बुधवार को जॉगिंग भी करने गए थे। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में 5 बार स्वर्ण पदक कब्जा किया है। हालांकि 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा पदक जीतने में कामयाब नहीं हो पाए और चौथे स्थान पर रहते हुए उसका दौरा खत्म हुआ था। मालूम है कि मिल्खा के बेटे जीव मिल्खा गोल पर हैं और फिलहाल दुबई में वो हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में भारी तबाही मचाई है। पिछले दिनों रोजाना 4 लाख से अधिक नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब कुछ हद तक स्थिति में सुधार नजर आ रही है। फिलहाल दैनिक आंकड़ों में थोड़ी कम दर्ज की जा रही है। अब रोजाना 2.5 लाख के करीब नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से देश में मौतों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।